कैट गेम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि प्लेन्स क्या है और प्लेन्स किसी भी स्केच ज्योमेट्री में एक प्लेन किस तरह इंसर्ट करते हैं। नॉर्मली हमारे पास तीन तरह के प्लेन्स हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। बट इसके अलावा हमें कोई प्लेन इंसर्ट करना है तो वो कैसे करें? तो पहले कोई ज्योमेट्री बनाते हैं, टॉप प्लेन स्केच सर्कल। अब कोई एक ज्योमेट्री बना देते हैं, सर्कल एग्जिट। अब हमने ये प्लेन पे, टॉप प्लेन पे ये ज्योमेट्री बना दी। अब हम कुछ और प्लेन्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे फीचर में। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रेफरेंस ज्योमेट्री, इसे ड्रैग करके ओपन कीजिए और यहाँ आपको मिलेगा प्लेन। तो प्लेन सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए एक प्लेन का एक दूसरा प्लेन तैयार हो गया। ये कितने डिस्टेंस पे है? 40 mm पे है। टॉप सरफेस हमने सेलेक्ट किया है, ये एक्चुअल में पैरेलल है, परपेंडिकुलर भी आप चूज कर सकते हैं, ये इस टॉप प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा। कोइंसाइड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेम प्लेन, या तो आप एंगल पे चाहे तो आप एंगल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 45 डिग्री, या तो आप डिस्टेंस पे सेलेक्ट कीजिए। डिस्टेंस में भी आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। यहाँ एक ऑप्शन है फ्लिप, फ्लिप करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये एक मिड में है, अनफ्लिप करेंगे तो वो अपनी जगह आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये डिस्टेंस जो भी आप सेलेक्ट करना है, 40 mm, 30 mm, जैसी आपकी मर्जी है वो डिस्टेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है नंबर ऑफ प्लेन्स टू क्रिएट, आप जितने नंबर ऑफ प्लेन्स क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ आप बढ़ाइए 2, 3, 4, सेलेक्ट कीजिए, ओके। ये देखिए 4 नंबर ऑफ प्लेन्स हमने क्रिएट कर लिया। अब हम चाहें तो अब एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच नॉर्मल, एक ज्योमेट्री बनाते हैं, छोटा सर्कल एग्जिट। तो अब ये देखिए हमने, ये हमारी ज्योमेट्री टॉप प्लेन पर है और हमने ऊपर वाले प्लेन पे 120 mm फुट पर एक दूसरी ज्योमेट्री बनाई है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि एक प्लेन किसी भी ज्योमेट्री में कैसे इंसर्ट करते हैं। हमारा वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।